हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यदि आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें कोई कमी निकलती है, आप कस्टमर केयर से कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उनके नंबर पर कॉल की जाती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबाएं, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं, साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करें, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें नाइस वीडियो जरूर लिखें। दोस्तों, जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं उसमें कोई कमी आ जाती है या फिर उसको आप रिटर्न करना चाहते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप उसको कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे आप कस्टमर केयर से कॉल पर बात करेंगे, तो सबसे पहले आपने अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने कर लिया है। उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट पर जाना है जिसको आपने खरीदा है, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा है। जाने के लिए अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर का, ऑर्डर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सभी ऑर्डर दिखाए जाएंगे, आपने कौन सा ऑर्डर किस टाइम किया है, कब आपको डिलीवर्ड हुआ। जैसे मुझे ये रिंग लाइट कल डिलीवर हुई है, इससे रिलेटेड मैं इंक्वायरी लेना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो ये आपको दिखा देगा कि ये आपको डिलीवर्ड हो चुका है। यदि आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, नीड हेल्प पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं डिलीवरी रिलेटेड क्यूरी, कैंसिल प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अदर। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पर कॉल मी लिखेंगे और सेंड कर देंगे। आपने बार बार इस तरह से लिखना है, कॉल मी और सेंड कर देना है। जैसे ही आप 3 से 4 बार इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास खुद ही ऑप्शन आएगा फ्लिपकार्ट को कॉल करने वाला। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही बार बार कॉल मी का ऑप्शन डाला तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ चुके हैं, कॉल ए रिक्वेस्ट का, आपको 5 मिनट में फ्लिपकार्ट की ओर से कॉल आएगी इस तरह से। उसके बाद आप नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कंटिन्यू चैट विद एजेंट, एजेंट के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ से कर पाएंगे। कॉल पर बात करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट ए कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, आप किस लैंग्वेज में उनसे बात करना चाहते हैं। जैसे मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपसे ये टाइम पूछेगा आप इनके साथ कब बात करना चाहते हैं, जैसे 11 मिनट या फिर 8 से 12 के बीच में आपके पास कॉल आए तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ से 11 मिनट कर देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपकी चैट जो है यहाँ से लॉक हो जाएगी और 11 मिनट के बाद आपके पास फ्लिपकार्ट की ओर से कॉल आएगी। दूसरा एक और ऑप्शन है दोस्तों, यदि आपको फिर भी कॉल नहीं आती तो आपने बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हेल्प सेंटर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपके सभी ऑर्डर दिखाए जाएंगे जो भी आपने ऑर्डर किया है। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाएगा, आई हैव नो ऑर्डर रिलेटेड क्यूरी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजोल्व, इस पर आप क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टेक्ट अस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, री ओपन माई करंट इश्यू, क्रिएट ए न्यू इशू, यहाँ से इश्यू क्रिएट करना है आपका पुराने वाला है या फिर न्यू है तो वो यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आएंगे, कॉल मी बैक का और राइट टू अस का, तो आपने जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। मैं आपको कॉल की सजेस्ट करूंगा, कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कॉल मी, और यहाँ से लैंग्वेज सेट करनी है, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज है यहाँ पर, तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको 14 मिनट बाद फ्लिपकार्ट की ओर से कॉल आएगी, तो आप इस तरह से फ्लिपकार्ट पर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।